हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, सिंपल एंड यूनिक किचन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है शालिनी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेड आलू से बहुत ही टेस्टी नाश्ता लेके आई हूँ। इस नाश्ते को आप एंड तक जरूर देखें, तभी आपको मालूम पड़ेगा ये नाश्ता बनने के बाद बहुत ही टेस्टी पुरभुरा बन के आता है। अगर ये नाश्ता पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए ब्रेड आलू से नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने ये चार पांच ब्रेड ली हैं और हम एक मिक्सी का जार लेते हैं। इसमें हम ब्रेड को तोड़ तोड़ के डाल देते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड को इसमें तोड़ तोड़ के डाल देते हैं। ये हमने सारी मिक्सी के जार में डाल दिए हैं और इसका एक तरीके का हमने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। अब हम एक बड़ा बाउल लेते हैं। इधर हमने ये कद्दूकस किए हुए उबले आलू लिए हैं, उसमें हम बड़े मिक्सिंग बाउल में इन्हें डाल देते हैं। और ये जो हमने ब्रेड क्रम्स बनाए हैं, अभी हम सारे ब्रेड क्रम्स ना डाल के थोड़े ब्रेड क्रम्स डालते हैं, और अगर हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में ऐड कर देंगे। तो अभी हमने थोड़े से ब्रेड क्रम्स इसमें डाल दिए हैं और उसके बाद हमने इसमें डाली है कद्दूकस की हुई अदरक, बारीक कट की हुई हरी मिर्च इसमें हम डाल देते हैं। फिर इसमें हम डालते हैं नमक स्वाद अनुसार। इसके बाद इसमें हम डालते हैं लाल मिर्च पाउडर। हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। चाट मसाला इसमें हम डाल देते हैं। फिर इसमें हम डालते हैं गरम मसाला और इसके बाद हम इसमें डालते हैं जीरा पाउडर। जीरा पाउडर से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए हम इसे ज़रूर डालते हैं। और इन सभी चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से चलाते हुए इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरीके से हमारी मिक्स हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, मैदा लेते हैं एक बाउल में, मतलब दो तीन स्पून मैदा लेते हैं। इसमें हम हल्का सा नमक डालते हैं, नमक डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं और इसमें पानी डालते हुए इसका एक पेस्ट सा बना के तैयार कर लेते हैं, मैदा का घोल बना के तैयार कर लेते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं और इसका मैदा का घोल बना के हम तैयार कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक हम चकला लेते हैं और ये जो ब्रेड और आलू का हमने मिश्रण तैयार किया है, इसे हम गोल गोल करते हुए एक लंबी शेप देते हैं। और आप शेप तो इसमें कोई भी दे सकते हैं, हमने इसे ओवल शेप दी है। इस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं हमने किस तरीके से इसे बनाया है। इस तरीके की हम इसे शेप देते हैं और फिर हम नाइफ से इसका जो साइड का पार्ट होता है, जो शेप में नहीं आ रहा होता है, वो हम इसे कट कर देते हैं। और ये जो हमने मैदा का पेस्ट बनाया है, इसमें इसे हम डिप करते हैं। चारों तरफ से अच्छी तरीके से इसमें इसे हम डिप कर लेते हैं। और फिर ये जो ब्रेड क्रम्स हमने तैयार किए हैं, इसमें इसे हम अच्छी तरीके से चारों तरफ से इसे रोल कर लेते हैं और एक प्लेट में रख लेते हैं। इस तरीके से हम बाकी बचे आलू और ब्रेड के मिश्रण को बनाते हैं। पहले हम इसको शेप देते हैं अच्छी तरीके से रोल करते हुए। फिर इसमें इसे इसको शेप देने के बाद इसे हम मैदा के मिश्रण में हम डिप करते हैं और फिर ब्रेड क्रम्स में अच्छे से हम इसे लपेटते हुए इसे एक प्लेट में रख देते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो की रेसिपी कैसी लगी। इस तरीके से हम तैयार करते हैं, सारे अपने बना के तैयार कर लेते हैं। अब हम इन्हें ले जाके 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये हमारे अच्छी तरीके से सेट हो जाए। 5 से 10 मिनट बाद जब हमारे ये बिल्कुल सेट हो जाते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, जब डीप फ्राई करेंगे तो ये जो ब्रेड क्रम्स है बिल्कुल भी निकलेंगे नहीं, अलग नहीं होंगे। तो डीप फ्राई के लिए हम जो है ऑयल गरम कर लेते हैं और जब हमारा ऑयल गरम हो जाए इन्हें डीप फ्राई के लिए डाल देते हैं। ये देखिए, हमारे हल्के बहुत निकलते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छार छार हो जाए, तो इससे ये सही रहते हैं, सेट हो जाते हैं। और अभी हमारा ये डीप फ्राई होके बहुत ही गर्मा गर्म टेस्टी नाश्ता बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगा। इसको आप सॉल्ट
चटनी सॉस जिसके साथ सर्व करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे नॉर्मली चाय के साथ भी गर्मा गर्म खा सकते हैं। अच्छी तरीके से इस तरीके से हम इन्हें सब कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से हमारे ये डीप फ्राई हो गए हैं। इन्हें अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी बच्चे ये नाश्ता जो हमने सेट करके रखा है वो भी हम डीप फ्राई कर लेते हैं। इन्हें हम मीडियम गैस पे ही डीप फ्राई करते हैं ताकि ये अंदर तक हमारे क्रिस्पी बन के आते हैं और खाने में एकदम टेस्टी लगते हैं। बाकी बच्चे भी हम डीप फ्राई कर लेते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आगे आने वाली रेसिपीज़ आप क्या इसी टाइप की देखना चाहते हैं या कुछ और सब्जी देखना चाहते हैं या कुछ और पराठे की रेसिपी देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। ये हमारा सारा नाश्ता बिल्कुल डीप फ्राई हो गया है। देखिए हमारे सारे कितनी क्रिस्पी बन के आए हैं। एक बार हम क्या कहते हैं, एक बार देख लेते हैं, एक बार चेक भी कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी हमारा ये नाश्ता बन के आया है, बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है, एकदम मस्त ये नाश्ता बन के तैयार है। इसे अब हम सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, ये नाश्ता आप लोगों को कैसा लगा जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।